साल 2024 का अभी चौथा महीना चल रहा है, लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को दर्जन भर नेताओं ने टाटा बाय बाय बोल दिया है। इस भगदड़ का एक कारण लोकसभा चुनाव 2024 भी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दिनों दिन बिखरती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच सियासी उथल पुथल जारी है। कांग्रेस को गुरुवार 4 अप्रैल को बड़ा झटका लगा, लेकिन यह अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है कि साल 2024 में अब तक कांग्रेस के 12 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। कट्टर कांग्रेसी माने जाने वाले गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। टीवी डिबेट्स के दौरान कभी कांग्रेस का पक्ष रखने वाले और सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधने वाले अब केंद्र सरकार की बात रखते हैं और कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। ताजा नाम गौरव वल्लभ का है, जो उन कांग्रेस प्रवक्ताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बीजेपी का साथ पकड़ा है। बीजेपी नेताओं पर तीखे प्रहारों वाली गौरव वल्लभ की वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती दिख जाती है। उन्होंने गुरुवार सुबह कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुछ देर बाद मीडिया को संबोधित करते उन्होंने कहा कि ये पार्टी की दिशाहीनता से खुश नहीं है। उन्होंने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने इस्तीफे में कहा, मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गौरव वल्लभ का भाजपा में जाना कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन के लिए एक बड़ा झटका है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी उम्मीदवार और एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर निशाने पर है। एक अन्य वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा पर भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री का अपमान करने को लेकर आरोप लगाया था। इनके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला भी बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी पर अपनी टिप्पणी को लेकर आलोचना झेल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।